गाइस वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडियो व्लॉग्स में और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है डिंपल कुलदीप कौर के नेम से जो यहाँ पर मेंशन है। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ी ऊंची हो गई साड़ी है ना, आई व्लॉगिंग कर रहा है यार, जब मेरे जाने का टाइम आया है एक दो दिन में जाने में। तो गाइस बताना मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। और आज क्या कुछ भी नहीं मेरे पास ये ना येलो कलर का ब्लाउज रखा था, मैंने कहा चलो अभी येलो कलर की साड़ी क्या पहनूं। मुझे मम्मी की ना ये अच्छी लग रही थी सिंपल सी, तो मैंने ये वाली साड़ी फाइनली, बताना कमेंट में कैसी लग रही है। वैसे इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज होता तो और अच्छा लगता, कोई नहीं मैंने इसी में दो चार वीडियो बना लिया। आप जाओ जाकर देखो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट शेयर और क्या हाँ सब्सक्राइब। और आयुष कभी कभी तो वीडियो बनाता है, अब बोल रहा जाओ मैं चेंज करके आ रही हूँ, फिर मैं सूट में बनाऊंगी एक दो फेमस, कभी कभी तो ये बनाता है तो इससे अच्छा बनवाई लूँ आज, और धूप भी अच्छी निकल रही है। सो गाइस मैं चेंज करके आई थी, इतने ही आयुष का दोस्त आ गया, फिर भी मैंने मतलब जल्दी जल्दी में एक दो वीडियो बना ही लिए हैं। और छत पर इतनी देर से खड़ी हूँ ना, मेरे चेहरे का हाल देख लो कैसा हो गया। वैसे तो खैर पहले भी ऐसे थे लेकिन अब और ज़्यादा बुरा हो गया। तो मैं चल रही हूँ नीचे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने फ्रंट से भी एक दो बनाई लेकिन वो चला ही गया, तो क्या करूँ, वो थोड़ी सही बना देता है ना, जैसे फ्रंट से इतना नहीं हो पाता है तो वो बैक से काफ़ी अच्छी बना देता है। फिर वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, हवा भी चल रही थी, तो मैंने कहा चलो बनी जाएंगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ मैं खुश हो रही थी ना, साड़ी में ना अच्छी नहीं बनी थी, इससे अच्छा मैं पहले सूट ही पहन लेती क्योंकि वो फिर चला जाता है, या तो खुद से चला जाता है फिर कोई ना कोई दोस्त आ जाता है तब चला जाता है। तो बस वही हुआ आज भी, अब वो चला गया, वो तो अब उसका काम भी है, अब तो वैसे भी आके वो नहीं बनाएगा कुछ, मैं भी ये सब उतार दूंगी, मेरे से नहीं पहने जाते यार, खासकर घर पे तो बिल्कुल ही नहीं पहने जाते। मैं सोचती थोड़ा अब फ्रीडम है तो घर पे मतलब अच्छे से कुछ कोई कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने घर पे तो यार थोड़ा कुछ कोई टोकेगा भी, जैसे कि कुकू वगैरह को लेने जाती हो फिर और भी कुछ काम रहता है। अपने यहाँ तो क्या, अपने घर में रहो मजे से चिल्ल पड़े रहो वही बेड पर, कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मेरा मन तो है वीडियो बनाने का क्योंकि मैंने एक ये पहन रखा है एक दो चीज़ें, क्या करो पहले जैसे वीडियो नहीं बना पाती हूँ ना मैं, मेरी गलती है, सॉरी उसके लिए। देखूंगी आगे स्टार्ट करूँगी कुछ न्यू। चल रहे हैं नीचे, वो कुछ चलो। सो गाइस मैं बना रही हूँ अब चीला, और बहुत सारा बेसन बैटर बन गया है ये देखो, मतलब बैटर हाँ एरोप्लेन मुझे नहीं आता बेटा, देखो इतना सारा बेसन बच गया, ये बच गया, इसको बाद में बनाऊंगी जब कम पड़ेगा, बाकी अभी तो ये फुल भर गया बैटर, ये मतलब थिक ही है, और इसमें पकौड़े बनाए थे यही वाला ऑयल ले लिया। क्या हुआ, सॉस की बोतल लेके आओ, देखो चीला बन गया, देखो आपको चीला दूंगी, फ्रिज में से लेके आओ सॉस की बोतल। एरोप्लेन आयुष से बनवा लो ना, तो मुझसे भी नहीं आता आयुष, ले एरोप्लेन बना दे आपको, बताऊंगा अभी टूटते टूटते रह गया पूरा बन गए। मजा आया इतना गर्म खाने के, मैंने बोला गर्म है अब कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है, बिना कोल्ड ड्रिंक के काम नहीं चल रहा था इनका, बस सबको कोल्ड हो रहा है। कुकू तो उठने का नाम ही नहीं ली, शाम को उठी थी फिर दोबारा सो गई, अब अपना बैग ठीक करी थी क्योंकि दोबारा से खराब हो गया। और आज ना मैंने और मम्मी ने साड़ियाँ ली थी, मम्मी ने दो ली थी मैंने एक ली थी, तब ये वाली बहुत सुंदर है, इसका कलर बहुत ब्यूटी है, ये ना ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, अभी लाइटिंग कम है ना तो इसलिए आपको ऐसे दिख रही है, बहुत प्रीटी है बहुत ज़्यादा, दिखाऊँ खोल के नहीं दिखाऊंगा आपको ऐसे पता चल जाएगा, बहुत प्रीटी है, पहन के बहुत अच्छी लगेगी, मैं इसको रेडी कराऊंगी घर जाके। अभी मैंने कर लिए कपड़े चेंज, कुकू देख रही है भूत का, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, आयुष की पहनी है मैंने क्योंकि और दो और पहनी थी वो आई नहीं मुझे, तो मैंने ये वाली पहन ली, ये वाली मुझे फिट भी आ रही है, अच्छी भी लग रही है, देखो मैच भी कर रही है। तो मैं अभी बना रही हूँ राजमा चावल, राजमा बॉईल हो चुके हैं और मम्मी ने प्याज एंड टमाटर कट कर दिए, पहले बोल रही थी कि ज़्यादा ही मतलब कि वो कर दूँ महीन, आई मीन कि क्रश और भी ज़्यादा, मैंने कहा नहीं छोटे छोटे वो काट दो उसी से बना देती हूँ मैं। वाह अच्छी लग रही है मुझे ये टी शर्ट, मुझे लगा था उसकी टी शर्ट मुझे आएगी नहीं बट आ गई, मैं इतनी में मोटी नहीं हूँ ठीक हूँ मतलब, चलो बना लेती हूँ।
छोटी कढ़ाई में नहीं आएगी इसलिए बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ी है। अब देखते हैं इसमें कैसी बनती है, क्योंकि बड़ी में छोटे में बनाने में बहुत फर्क है। देखते हैं कैसी बनेगी। कुकु दिखाइए दिखाइए, कुकु की तो बहुत सारी चीज आई है भाई, नानू तो बहुत सारी चीज लाए हैं। तो मुझे तो ये वाला पैकेट दे दो, मुझे तो ये वाला पैकेट दे दो। हाँ ठीक है, हेलो हैं ठीक है। आज क्या सामान लिया? तो मैं अपना खाना लेकर आ चुकी हूँ, राजमा टेस्टी लग रहे हैं वैसे तो। मैंने इसमें लोनी भी डाल लिया है, घी। ठीक है, खा के देखती हूँ कैसे, क्योंकि अभी तो सब काम में लग रहे हैं। मैं ही खा लेती हूँ सबसे पहले, और खीरे सबके लिए ये। और अभी ना चावल भी बन रहे हैं, दो रोटी खाऊंगी या फिर डेढ़ रोटी खाऊंगी, फिर चावल भी खाऊंगी थोड़े से लिटिल लिटिल, तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। आज बंद करो, हाथ आगे करो, सरप्राइज। अबे ते मामू का लेके आया है, सब लोग चीज लेके आते हैं। दिखाना, किसी को देना मत, दिखाना कुकु, सुनो किसी को देना मत, खुद ही खा जाना। दिखाना, ओ माय गॉड। ठीक है, हमको भी लिया ना, बंद कर रही बता। गाइस, तो मैंने अपने लिए खोया भी भून लिया है, मेरी पैकिंग हो चुकी है खोए के साथ, थोड़ा जला दिया मैंने नीचे से। बड़ी वाली कढ़ाई में भुना था, देखो कितना सा हो गया, सारी कढ़ाई भरी हुई थी। खोया वगैरह मैंने रख लिया है, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, बस मेरा सूट आने वाला है अभी, आयुष लेकर आएगा, और मैं बस अभी छत पर आई थी। इतना अच्छा वेदर है, मैंने बोला ना ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ खड़े होना, यहाँ वीडियोस बनाना, और सुबह यहाँ खड़े होना, शाम को यहाँ खड़े होना, रात को मतलब ऐसे करके देखना पेड़ों को, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा निहार लूँ, और फिर तो कल जाना ही है अपने घर। तो मैं इस व्लॉग का एंड या तो आज रात को कर दूँगी या फिर कल ही करूँगी निकलने से पहले। और अभी मैं सोच रही थी वीडियोस बनाऊंगी जो मेरा सूट आएगा, वैसे तो डेली वेज का ही, लेकिन मैं सोच रही थी उसमें बना लेती हूँ रील, फिर उसे वॉश करूँगी, लेकिन अब लेट हो गया, अब नहीं बनाऊँगी अब, क्योंकि आयुष अपने दोस्त के साथ गया, तो मुझे तो लगता नहीं है वो 6 बजे से पहले आ पाएगा, अभी 5:30 हो ही चुके हैं, तो क्या ही फ़ायदा कुछ बोलने का, क्योंकि वो मुझे पता है 6 या फिर उसके बाद ही आएगा। तो अभी मेरा पैकिंग वैकिंग तो सब डन है, और देखो मैं फूल दिखाती हूँ वाले जो मैं रेड वाले कह रही थी ना इस वाले पेड़ पर, ये देखो, ये देखो बहुत सुंदर है। सो गाइस, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जब हम घर आते हैं ना तब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं यार, जाना तो है ही सभी को, तो इसीलिए कुछ नहीं कह सकते। जल्दी आएंगे, अब देखेंगे कब आऊँगी मैं, जून में आऊँगी, क्योंकि भाई का बर्थडे भी है, अब देखूँगी जून में पक्का है या नहीं, क्योंकि हम कुछ फंक्शन कराने की सोच रहे हैं, वो हो पाएगा या नहीं, मतलब हम नहीं, मतलब मम्मी पापा, अब होगा तो फिर तो आएंगे ही, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल का सीन ये है कि अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे क्या करना था, हाँ मैं बना रही हूँ आज कचौड़ी, मम्मी बोल रही थी जाने से पहले अपने हाथ की कचौड़ी खिला दे, तो मैं कचौड़ी बना रही हूँ, आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं मैंने, और दही मम्मी ने पहले ही रख दी थी, आज सुबह लस्सी नहीं चलाई मम्मी ने, क्योंकि बोल रही थी कि ज़्यादा दही वगैरह चाहिए होगी, और जबकि इतनी चाहिए नहीं, थोड़ी सी रख लेती एक कटोरा वगैरह पर, आधा भगोना रखी हुई है, बताओ सबके लिए, सभी खाएँगे, अब ज़्यादा खाएँगे कम खाएँगे जितने भी खाएँगे खा लेंगे, तो उसके लिए तो मैं अब जा रही हूँ नीचे, आटा वगैरह लगाऊंगी, तैयारी करूंगी। कुकु अब तो चेक करवा के लेके आया ना, कुकु बाय, कुकु बाय, कुकु जा रही है अपने स्क्रॉच वगैरह लेने, चप्पल वप्पल घूमने, नानी साथ, नानी साथ तुम भी लेके आओगे अपनी, है ना, कुकु बैठो रुक जा तो रुक जा। है आ गए, ना आगे बैठेगी, कुकु तो गई भाई शॉपिंग करने, बस उसके तो नानू नानी
चाहिए उसको, तो बस नानू नानी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और पापा लेकर आए थे अभी ये सामान लेकर आए थे, पापा वैसे वहीं से ही आए थे मंडी साइड से, तो ये किशमिश वहाँ खुली मिलती है ना, ये मुनक्के हैं, मैक्रोनी, पास्ता भी अभी बहुत सारा रखा, सब्जी लेकर आए थे, बैगन का भरता कह रहा था भाई तो वो लेकर आए थे, और ये क्या है ये खीरे भी रहे, निकालना पड़ेगा सामान, अभी लेने गई है वो अपने स्लीपर, देखते हैं क्या क्या लेके आती है। कुकू को लेकर गए थे उसकी स्लीपर के लिए, वो ही नहीं मिली, बाकी सब मिल गया। तो यहाँ पर पापा ना गोलगप्पे और चाट वगैरह लेकर आए थे, तो बोल रहे थे कि ठंडी हो जाएगी जल्दी खा लो पहले, फिर बाद में खाना बनाना। तो मम्मी मेरा सूट भी ले आई थी, ये सिंपल सा डेली वेज का है वैसे, पर अच्छा है। पराठे भी बना लिए हैं दही के साथ, तो सबने खाए थे ना इसमें, मैंने इसी में ले ली दही भी, और ये भी आलू के पराठे भी मैं बना रही थी, सब खा रहे थे। बहुत टाइम लग गया यार बनाने में, देखो मेरे को पसीने भी आ गए, खा लूँ पहले खा के फिर जाऊँगी छत में। कुकू ने खा लिया, सबने खा लिया, बड़ा वाला भाई रह गया, वो आएगा अभी बाहर से, वो मेरे को पसीने आ गया यार, पंखा भी नहीं चला रखा मैंने, पंखा चला लूँ पहले। सो गाइस मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आयुष शर्मा, आयुष छोड़ के आएगा मुझे, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और कुकू भी रेडी हो चुकी है, ना कच्चे में नहीं जाएगा, अभी नहाएगा, नहा के रेडी होगा। मैंने तो खाना खा लिया है, कुकू को भी खिला दिया है थोड़ा बहुत, तो बस मेरा सारा सामान पैक है, खोया वगैरह मैंने रख लिया है, दूध और छाछ रह गया, कब करोगे ना बोतल में कर दो। और आयुष मुझे विदा दे रहा है, देखते हैं कितने देता है, रुक जाओ पैक कर लो, कुकू आवाज कम करो बेटा, 4-5 ठीक है लो, तुमने क्या लगा क्या है, पकड़ो तो सही, ये कुकू हो गए तुम्हारे तुम कुछ भी करो, किराया बना तो अपने और तो लगा, कैसे करो ठीक है किराया इतना लगा, सब सब चले जाएंगे भाई, तो हेडिक है तुम, हेडिक बहुत चालाक है, सारे दे दिए कर के चलो, किराया तो खैर यही कटवाएगा, मतलब कटवाएगा तो यही, बस में जाना है क्या करें, इतनी दूर का सफर है। चलो गाइस इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, हाँ ना करते करते भी ना मेरे साथ इतना सारा सामान हो गया है, बहुत सारा, एक तो ये वाला बैग हो गया, एक तो मैंने खाली कर दिया, एक तो ये वाला भी, इसमें खाने का सामान है सारा, और इसमें ठूस ठूस के भरा, तो ये थोड़ा सा फट गया है, मुझे ये भी सिलना है अभी। तो चलो गाइस इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ जाकर मिलते हैं, आयुष रुकेगा एक दिन फिर दिखाते हैं आपको, ओके बाय।